The Citizens Foundation, very close to my heart, and I think जो काम ये लोग करते हैं पाकिस्तान में, खुदा करे कि तमाम लोग इसी तरह से काम करें. I've got Isfandiyar Inayat साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल खैर खैरियत. लॉन्ग टाइम नो सी. आई थिंक हम लोग इन्हीं इसी, या तो आप मेरे किसी शो पे आते हैं या फिर रमजान में आते हैं. दैट्स हाउ इट इज. बट कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल खैर खैरियत. थैंक यू फॉर कमिंग. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग. एंड वी हैव गॉट शब्बीर. जी शब्बीर, दैट्स द TCF अलमनाई. एंड हाउ आर यू? आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, आप कैसे? और मुझे थोड़ा सा बताइए, हो क्या रहा है? जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने 1650 स्कूल्स जो हैं से स्टार्ट लिया था, और तकरीबन 267,000 बच्चे जो हैं वो इनरोल्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन सिचुएशन है कोविड, 267,000 बच्चे क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं, क्वालिटी एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सोचा था कि चूँकि हम 25 साल में इन कम्यूनिटीज़ में काम करें, ये आम हालात में भी ये कम्यूनिटीज़ मुश्किल हालात में होती हैं, तो इस वक्त तो यकीनन इन पर बहुत ही क़यामत सुग़रा वाला मंज़र है, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो हम लोगों ने 50 करोड़ की जो है COVID-19 अपील जो है वो स्टार्ट की, जिसमें हम तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा अब तक रेज़ कर चुके हैं. और 1,000 फैमिलीज़ जो हमने पहले ही अप्रैल के पहले हफ्ते में जो है उनको कैश और राशन प्रोवाइड किया था. आज अल्हम्दुलिल्लाह 17,500 फैमिलीज़ जो हैं उनको हम अक्रॉस पाकिस्तान 56 लोकेशंस में जो है वो कैश और राशन जो है वो प्रोवाइड कर चुके. माशाल्लाह. अच्छा, आपका टारगेट, अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ये कैश प्रोवाइड कर रहे हैं और इनका टारगेट जो है वो 50 करोड़ रुपए हैं. जी 50 करोड़. जी वाई 50 करोड़? आप जारी बात है, हर इदारे की ज़रा एक लिमिट होती है, ज़रूरत तो यकीनन उससे ज़्यादा की है. लेकिन एक चीज़ जो हम यूनिक कर रहे हैं वो है कि हम कैश फोकस्ड है, कि हम घरों में कैश प्रोवाइड कर रहे हैं टेलकोस के थ्रू. और आपके पास उसका वो भी है, डेटा है हमारा. अब शब्बीर जैसे हमारे यहाँ तो ये ना कि डेटा नहीं मौजूद. नहीं, मैं समझता हूँ कि जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज अगर TCF को है इस वक्त जो है ना, वो ये है कि हमारे पास डेटा बहुत डिटेल मौजूद है. हमें एग्जैक्टली पता है हाउस होल्ड इनकम कितनी है, कितने लोग हैं, डेली वेजर्स हैं, मजदूर हैं. तो ये किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसका पैसा उसी जगह जा रहा है जहाँ उसे जाना है. एग्जैक्टली, बिल्कुल. अच्छा, ये बात तो मैं तो इसके लिए वाउच करता हूँ. आपको पता है कि हम वे आउट स्पोकन इट कम्स टू TCF, और मैंने हमेशा ही इनके लिए बात की है. नो मैटर कोई सा भी फोरम हो, मैंने क्लोजली देखा है, मैंने क्लोजली मॉनिटर किया है, मैं खुद कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ. लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस बात की कभी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो पैसा दिया है वो जा कहाँ रहा है. बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ हाथ उठा के कि आप इन लोगों को पैसा दीजिए, ये वाकई काम करते हैं, ये वाकई काम करते हैं. तो इस्फंदियार मेरे साथ हैं. आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इस रमज़ान जब भी आप अपने ज़कात, खरात, अतियात जो भी आप निकालना चाहें, और इसके बाद भी, क्योंकि ज़रूरत, देखिए रमज़ान गुजर जाएगा, रमज़ान में हम बड़े अपलिफ्टेड होते हैं, बड़ी स्पिरिट हमारी हाई होती हैं, लेकिन अब जब रमज़ान गुजरेगा तो असल जो क्राइसिस का वक्त होगा वो रमज़ान के बाद है. पोस्ट रमज़ान क्या होगा, ये एक बड़ी चीज़ है. अच्छा शब्बीर यहाँ सर हिला रहे हैं. हाँ भाई बताओ, तुम क्या कर रहे हो? ये COVID-19 के लिए इस बच्चे ने बड़ा काम किया है, बताओ. अस्सलाम वालेकुम. मैं GIK का तालिबे इल्म हूँ. मैं अभी छुट्टियों पर आया हुआ था अपने घर. किसके तालिबे इल्म में? GIK गुलाम साहब खान के. अच्छा, तो मैं छुट्टियों पर घर आया हुआ था. मुझे TCF हेड ऑफिस से कॉल आती है कि हमने ऐसा ऐसा सोचा है, हम आपको ऐसा वॉलंटियर काम करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे नहीं करेंगे? मैंने हाँ कर दिया, मैं राज़ी हो गया. तुम पहले TCF स्कूल में पढ़ते? हाँ, पहले मैं TCF स्कूल में. उसके बाद मेरा TCF मिसा खान यूनिवर्सिटी चले गए. जी, अब वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ. आप अगर तालियाँ नहीं बजाएं घर पर बैठ के तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बजा रहा हूँ. ज़बरदस्त. हाँ जी, हमें TCF ने प्रॉपर प्लान दिया था, हमें बताया था कि आपको इस तरह से काम करना है. तो हमें, मेरे साथ तकरीबन 8-10 वॉलंटियर और थे. तो मेरा जहाँ से ताल्लुक है वो एक बहुत पसमानदा एरिया है, बहुत पसमानदा इलाका है. तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नीडी लोग मौजूद हैं, तो और मैं ख़ुद भी वहाँ अच्छी तरीके से सबको जानता हूँ कि किसको ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है. तो हम तकरीबन 8-10 लोग सारे निकल गए. हम डोर टू डोर सर्वे किए, हमने लोगों से पूछा कि आपको ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है. हर किसी से मालूम करने के बाद हमने तकरीबन 850 फैमिलीज़ का डेटा कलेक्ट किया. ठीक है, और ये काम हमने एक दिन में किया. ये डेटा हमने एक दिन में, तुमने किया ये काम? मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ लोग और 8-10 लोग और वॉलंटियर्स थे. तो हमने ये डेटा TCF हेड ऑफिस तक पहुंचाया. वहां पर फिर उन्होंने कैश, जैस कैश के जरिए उन लोगों की मदद कर दी. ये कैश कैसे देते हैं आप?
ये हम जैज कैश के थ्रू कर रहे हैं. जैज कैश, ओके ठीक है. तो उसमें जो एक सबसे चीज़ अच्छी है जो मैं मज़ेदार आपको बताऊँ, ये कि आप एक इकोनॉमी के अंदर, माइक्रो इकोनॉमी गुलशन ज़िया की ये बात करें, वहाँ 12 से 15 लाख रुपए आप एक साथ इंजेक्ट कर देते हैं. आप तो वहाँ पे जब इंजेक्ट करता है कैश होता है, मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? मेरा दिल चाह रहा है कि आप लोग गवर्नमेंट में आ जाएं. I'm not kidding with you. I'm being very honest. I'm so sick and tired of these people. I want people who actually want to do something. They should be able to run the government. हमारे मुल्क में ऐसे, अब देखिए कितनी मज़े की बात है कि इन्होंने एक पूरे सिस्टम के तहत ये कैश डिस्पोज किया. प्लीज़ गो ऑन. तो उससे ये है कि अब सब्जी वाले के पास कैश आया, सब्जी वाले ने दाल खरीदी, दाल वाले ने दवाई खरीदी. अभी मुझे शबीर ही बता रहा था, कहता है कि मैं एक घर में गया, बेवा खातून थी और उन्होंने कहा कि बेटे तुम राशन की बात करो, मेरे घर में 2 दिन से पीने का पानी नहीं है. अल्लाह अकबर. तो अभी तो जो है सबसे पहले मुझे कैश आया तो मैं पहले पानी का इंतज़ाम करूँगी कि राशन के तो बात की चीज़ है. तो वो लोग खुद प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि उसको दवाई लेनी है, उससे राशन लेना है या उसे उसने पानी खरीदना है.